वाली साइड से आओगे तो वो साउथ पोर्टल पड़ता है, ठीक है। ये था कुछ नीचे का रास्ता, यहाँ हम चढ़ गए ऊपर, यहाँ तक तो आ गए। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस। और आज हम निकल पड़े हैं मनाली की तरफ, और मेरे साथ दीपक और रौनक है। भाई हेलो कर दो। हेलो गाइस। हेलो गाइस। और अभी हम एक और दोस्त को लेने जा रहे हैं, जतिन, तो वो भी हमारे साथ होगा। हम चार लोग निकल रहे हैं मनाली की तरफ, बाकी आगे आपको दिखाते हैं। इस टाइम पे हम अभी 152D एक्सप्रेसवे पे हैं। ये 152D एक्सप्रेसवे रोहतक से स्टार्ट कनेक्ट होता है और आगे जाके अम्बाला पे ख़त्म होता है, तो हमने अपनी जर्नी इसी एक्सप्रेसवे पे शुरू करी है। हम कल रात को निकले थे 5 तारीख को, और आज सुबह 6 तारीख हो चुकी है। मनाली से आगे हम निकल चुके हैं, सोलांग वैली और अटल टनल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए लिखा है, वेलकम टू द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल। अटल टनल पहुंच गए हैं। ये रहा अटल टनल, मेरे साथ भाई रौनक और ये भाई दीपक। तो भाई ऐसा नज़ारा है यहाँ पे, देख लो भाई चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, और भाई बहुत हल्की हल्की स्नो फॉल, हाँ स्नो फ्लेक्स उड़ रहे हैं। जो ये साइड में बर्फ है उनकी, और भाई बिल्कुल सामने ये अटल टनल का तुम्हारा ये है नॉर्थ पोर्टल। मनाली साइड से आओगे तो वो साउथ पोर्टल पड़ता है, ये नॉर्थ पोर्टल है। और ये हमारे पास आ गए भाई जतिन। जतिन भाई हेलो कर दे। यही हमारा चौथा बंदा जो पहले रह गया था मिस, अब आ गया है। तो भाई ऐसा है, हम यहाँ इस टनल अटल टनल पे खड़े हैं, बहुत तेज़ हवा चल रही है, हाथ हमारे पूरे जम गए हैं, और बहुत तेज़ हवा चल रही है भाई। और ऐसा कुछ नज़ारा है आप देख सकते हो, यहाँ ऐसे ज़्यादा लोग तो नहीं है, पर भाई बहुत तेज़ हवा चल रही है, पता नहीं कितनी क्या ही आवाज़ आ रही होगी। और भाई देख लो तो भाई हम ये माउस टनल से यहाँ चल के आए हैं। लेफ्ट साइड जाओगे तो कारगिल ले श्रीनगर, राइट को आपका स्पीति वगैरह आता है, और वहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है। और गाड़ी में जा रहे हैं, स्नो फ्लेक्स उड़ रहे हैं यहाँ पे हवा की वजह से, और हमारा गुजर भाई हवाबाजी करता हुआ फुल जा रहे भाई यहाँ से शिशु की तरफ।
एम्पल पार्किंग है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं खड़ी कर दो। यहाँ आपको छोटे छोटे खाने के मैगी पॉइंट्स वगैरह मिल जाएंगे। क्या खेल रहे हैं ये है भाई तुम्हारा? शिशु नदी जो अभी खैर सूखी पड़ी है, इसको पार करने के लिए ये जिप लाइन है यहाँ पे, ये रहा। यहाँ से लोग अभी वेटिंग में, जिप लाइन की क्या कोस्ट है वो मैं अभी देख के चेक करके बताता हूँ। वो देखो ये जा रहे हैं लोग, ये देखो ये उस पार जाएंगे, उस पर जाके आप अपना ऊपर स्नो वगैरह में मस्ती कर सकते हैं, ठीक है। ये वापसी का नीचे से है, जाने का ऊपर से है। ओ भाई 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 रेडी, ओ भाई 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 भाई, ओ भाई रे, अचानक ब्रेक लगा। भाई कैसा रहा एक्सपीरियंस? भाई काफी बस लास्ट में थोड़ा सा झटका लगता है ना, वहां थोड़ा सा बस फट गई थी मेरी, मेरा भी घूम गया था भाई उल्टा। आ जा आ जाओ आ जाओ भाई, वहाँ वहाँ उतरेंगे, आ जा। तो भाई साहब वहाँ से आए हम, यहाँ उतरे हैं दीपक भाई। भाई 300 रुपए लिए इन्होंने, 300 रुपए लिए इन्होंने, और भाई क्या कहते हैं आना जाना इसमें दोनों है। बाकी ये हेलमेट है, ये पोशाक सा है कुछ बना पहना दिया है। अब ऊपर जाके भाई उतार आएंगे। कुल मिला के बढ़िया एक्सपीरियंस था, मजा आ गया भाई। भाई ये है ग्लेशियर, और वाटरफॉल कहाँ कह रहा था वो रहा, वहाँ है कहीं वाटरफॉल। ये रास्ता है, ऐसे चढ़ेंगे यहाँ से ऊपर, और वहाँ ऊपर से जाके कहीं आगे वहाँ जाना पड़ेगा वाटरफॉल के लिए। देखते हैं भाई कहाँ तक पहुँच पाते हैं, अभी तो ऐसे खेतों से मैं वहाँ तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे इधर से आ जा, इधर तो बहुत कीचड़ है ना, इधर वहाँ से चल। अभी वहाँ करेंगे ना असली एडवेंचर। अच्छा ये ट्यूब वाला है, ये है ट्यूब एक्टिविटी करा रहे हैं भाई। ये है पूरा स्नो ही स्नो, अब अपने को चढ़ना ऊपर, और अपन यहाँ रास्ता खोज रहे हैं कि भाई कहाँ से चढ़ा जाए, यहाँ से चढ़ें कि उधर से चढ़ें। क्या करें, यहीं रुक जाए? मैं तो कह रहा हूँ कोशिश तो करते ही है एक बार, चल देखते हैं भाई कितना चढ़ पाएंगे, दिखाते हैं आपको भी। तो भाई ऐसा है, अभी हम ऊपर चढ़ गए हैं इस पॉइंट पे, दिखाता हूँ। ये था नीचे, ऐसा आए हैं ऐसे करते 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 चढ़ते चढ़ते यहाँ। अभी तो खैर बहुत ऊपर तक है, लेकिन हम जाएंगे नहीं इसके आगे, बस यहीं तक जा रहे हैं। अब यहाँ दो चार फोटो खिंचवा रहे हैं, फिर यहाँ फोटो शूट के बाद यहाँ से हम निकल जाएंगे, और इसके बाद निकल के नीचे उतरेंगे।
तो भाई ऐसा हम ऊपर आ गए हैं इतनी, ठीक है। ये था कुछ नीचे का रास्ता, यहाँ से हम चढ़ गए ऊपर, यहाँ तक तो आ गए हैं। अब इसके ऊपर और भाई और ऊपर वो आगे तक है, लेकिन वहाँ तक हम नहीं जाएंगे भाई, थोड़ा ये रिस्की मामला है। बाकी यहाँ भाई थोड़े बहुत फोटोशूट, थोड़ा बहुत स्नो के साथ खेला जा रहा है। ये कुछ नज़ारे हैं वैली के, थोड़ी देर खेल कूद के फिर अपना वापस जिप लाइन पकड़ेंगे और पल्ली साइड। लेकिन भाई मज़ा आ रहा स्नो का, अप्रैल में स्नो के फुल मजे, 6 अप्रैल। शिशु वैली से फिर हम आगे निकल पड़े गोंदला फोर्ट के लिए। हमें लोकल ने बताया कि एक फोर्ट है गोंदला फोर्ट, काफी अच्छा है, पर हम जब वहाँ गए तो हमें कुछ खास लगा नहीं। हालांकि एक वहाँ पे गोंदला केव करके भी है, जिसमें 1.5 घंटे का, 1.5 से 2 घंटे का ट्रैक है। हम वहाँ जा नहीं पाए क्योंकि शाम ज़्यादा हो गई थी, तो केव बंद हो गया था। पर केव जरूर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार जाएँ। गोंदला फोर्ट तो हमें कुछ खास लगा नहीं, पर फिर भी आप देख लीजिए, मैं आपको इस वीडियो में दिखा देता हूँ कैसा है। भाई हम ऐसा है, कौन सा एक क्या नाम था इसका, गंदोला फोर्ट, गोंदला फोर्ट। भाई गोंदला फोर्ट है ये, भाई फोर्ट तो खत्म ही पड़ा है, और यहाँ आए हम, देख लो भाई फोर्ट के नजारे। दीपक इसकी एंट्री नहीं है भाई, इधर से लेकिन अच्छा लग रहा है। ये अच्छा लग रहा है ना, वो दीपक उसमें अच्छा। ये है भाई यहाँ फोर्ट से नजारा। तो भाई यही था फोर्ट, ये देख लो भाई ऊपर से लेके नीचे तक खत्म फोर्ट ही पड़ा है। ये जो देखना था भाई देख लिया, इससे आते इसमें कुछ रहा भी नहीं देखने का। बाकी अपना हम यहाँ से निकल रहे हैं, अब जाते हैं भाई होटल रूम पे, कुछ लोकल लोग भी आए हैं यहाँ पे। अब बाकी यहाँ से ये नज़ारा सामने फोर्ट से, ये था कुछ फोर्ट से नज़ारा। अब यहाँ से अपन निकलते हैं, वहाँ पीछे हमारी वो खड़ी गाड़ी हमारी, अब यहाँ से हम अपन निकलते हैं होटल की तरफ। आज का हमारा शिशु का प्रोग्राम यही ख़त्म होता है, जो हमने करना था शिशु में हमने कर लिया। इसके अलावा शिशु में एक मोनेस्ट्री भी है जिसकी एक ट्रैकिंग है, तो उसमें आपका पूरा एक दिन लग जाता है, हम नहीं कर पाए, हमारे पास टाइम नहीं था। पर आप चाहें तो आप लोगों से कंफर्म करके आप जा सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी जर्नी को आप आगे फॉलो कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।